हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन हब। स्वागत है आप सभी का वाईफाई एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं डेली का करंट अफेयर। आज तारीख है 22 जनवरी और हम पढ़ेंगे डेली का करंट अफेयर। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आईबी, आईबीपीएस, आरपीएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस सबके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। और आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन देखे जाएंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और उन्हें भी प्रिपरेशन करने का मौका अवश्य दे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अपना, 9th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। हॉकी चैंपियनशिप की बात की गई है, नमी जो कि इस बार थी इंडियन नेशनल सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी जीती है। तमिलनाडु के बारे में आपको बता देते हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम हैं, और डिप्टी सीएम है ओ पन्नीर सेल्वम। पन्नीर सेल्वम यहाँ के डिप्टी सीएम है, और बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ गवर्नर है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ गवर्नर है, यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपना आज का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने सर्वाधिक मेडल जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो संपन्न हो चुके हैं, इसमें किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीतकर अपनी तालिका में सबसे ऊपर रहा है, यह आपको बताना है। और फ्रेंड्स, यह कहाँ पे आयोजित हुए यह तो आपको पता ही होगा, पुणे के अंदर यह आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र ने कितने जीते हैं। तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं 85 गोल्ड मेडल, सिल्वर के अंदर 62 और ब्रॉन्ज के अंदर 81, और टोटल हो गए इनके 228 यानी 228 मेडल। इनके टोटल मेडल के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर रहा है हरियाणा, जिन्होंने 62 गोल्ड मेडल और 56 सिल्वर और 60 ब्रॉन्ज के साथ सबसे ऊपर रहा, सबसे ऊपर दूसरे स्थान पर रहा, सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा, और तीसरे पे दिल्ली का नंबर आया, और चौथे नंबर पे अपने कर्नाटक रहा। ऊपर के दो तो आपको 100% याद रखने हैं दोस्तों, और तीसरा भी पूछा जा सकता है। इसने टोटल मेडल जीते 136 और कर्नाटका ने टोटल मेडल जीते 77 मेडल। इन्होंने इतने जीते और महाराष्ट्र ने 228 मेडल के साथ टॉप किया, यह तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, किस देश की यात्रा के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया कर सकेंगे। अब आधार कार्ड को वहाँ पे वीज़ा की जगह उपयोग ले सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड से आप किस देश की यात्रा कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही उत्तर आपको पता होगा, नेपाल और भूटान दोनों देशों की यात्रा के लिए हमें सिर्फ अपन आधार कार्ड से वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं, यहाँ वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मापदंड रखा गया है कि 15 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और या 65 ईयर से अधिक उम्र हो, तो यह सिर्फ आधार कार्ड से जा सकते हैं, और यहाँ पे अपन को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, एशियाई जूनियर स्क्वैश खिताब किसने जीता है। एशियाई जूनियर स्क्वैश खिताब की बात की गई है, और यह किसने जीता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चाइना, किसने जीता है यह आपको बताना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यह खिताब जीता है,
और इसने इंडिया को हरा कर जीता है, 2-0 से हरा कर इंडिया को जीता है। और यह एशिया जूनियर स्क्वैश खिताब कहाँ पे आयोजन हुआ, आपसे आयोजन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में, कहाँ, थाईलैंड में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ शुरू हुआ है, भारतीय दिवस जो मनाया जा रहा है वो सम्मेलन कहाँ पे आयोजन हो रहा है, कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को वैसे मनाया जाता है, लेकिन 2019 का भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो कि हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, आपको इसके बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और इसका स्लोगन क्या है, काशी का आतिथ्य है, यह आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, काशी का आतिथ्य, काशी का आतिथ्य इसका स्लोगन वाक्य है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है यह तो आपको पता ही होगा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, कहाँ से, दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के उपलक्ष में हम यह मनाते हैं और यह सम्मेलन इस बार वाराणसी के अंदर हो रहा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई है, भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी की बात की गई है, कौन है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया है और पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है, इसलिए अपन को इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा अर्पणा कुमार, अर्पणा कुमार ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया है। यह 6 महाद्वीप में पहले ही, 6 महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटियाँ थी उन पे पहले ही तिरंगा फहरा चुकी है और अभी इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर भी तिरंगा फहराया है, यह आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, मलेशियन मास्टर का खिताब किसने जीता है, मलेशियन मास्टर्स की बात की गई है और किसने जीता है, यहाँ आपको पूछा गया है महिला एकल वर्ग में, किसमें, महिला एकल वर्ग में किसने जीता है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, राचा नोक इतानोने करके प्रश्न है, महिला है जिसने यह खिताब जीता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 7th आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, 7वें आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और वियतनाम, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही उत्तर है वियतनाम, वियतनाम के अंदर इसका आयोजन हुआ है, 7वें आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं वियतनाम के बारे में, वियतनाम की कैपिटल कहाँ है, तो हनोई इसकी कैपिटल है, क्या है, हनोई वियतनाम की कैपिटल है। यहाँ पर डोंग करेंसी चलती है, मुद्रा क्या है यहाँ पर, डोंग यहाँ पे मुद्रा चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट अपने पीएम के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट है यहाँ पर डुएन फुत्रोंग करके है पर्सन जो यहाँ पे राष्ट्रपति है, कौन है, डुएंग फुत्रोंग यहाँ पे राष्ट्रपति है। और पीएम की हम बात करते हैं तो युचेन तंग जुंग करके हैं जो यहाँ पर पीएम है, यहाँ आप एक नाम से जुंग और फुत्रांग से याद रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, टाटा मुंबई मैराथन किसने जीती है, टाटा मुंबई मैराथन की बात की गई है और यह किसने जीती है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुधा सिंह हैं जो कि इंडियन है, इन्होंने यह जीती है, इंडियन महिला है जिसने यह मैराथन जीती है। और पुरुषों में मितेंद्र सिंह हैं, मितेंद्र सिंह नहीं यहाँ पे नितेंद्र सिंह हो जाएगा, जिन्होंने पुरुषों में टॉप किया है यह आपको ध्यान रखना है। और सुधा सिंह ने यह
मैराथन जीती है। चलते हैं, और यह है 16वां एडिशन था इसका, कौन सा 16वां एडिशन था जिस जो आयोजन हुआ है इस साल। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, भारत ने हाल ही में किन राज्यों में 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रॉन स्थापित करने की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने किन 3 राज्यों में एयर स्क्वाड्रॉन स्थापित करने की मंजूरी दी है, कौन से राज्य जिसमें 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रॉन स्थापित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु और गुजरात दोनों के अंदर ये 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रॉन स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, स्किल इंडिया 2019 एक्सपो कहाँ आयोजित होगा। स्किल इंडिया 2019 एक्सपो की बात की गई है, यह कहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स यह मुंबई के अंदर आयोजित होगा, और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसे G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है। G77 की बात की गई है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, फिलिस्तीन, सिंगापुर, चाइना या वियतनाम। किससे G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने सही उत्तर हो जाएगा फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। और दोस्तों इसमें कुल 134 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर है, कितने हैं 134 इसके मेंबर है। और 1964 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था 1964 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था। और दोस्तों आपको इसके बारे में बता देते हैं कि 2018 के अंदर इसकी चेयरमैनशिप या अध्यक्षता किसके पास थी, तो इजिप्ट के पास 2018 की इसकी मेंबरशिप थी, और 2019 की इसको फिलिस्तीन को दी गई है, यह आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सुनेत्र योजना की शुरुआत की है। सुनेत्र योजना की बारे में आपसे पूछा गया है कि यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स यह ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ओडिशा सरकार ने पिछले काफ़ी समय से अच्छी अच्छी योजनाओं की शुरुआत की है, और आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर पहले कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, कालिया योजना भी यहाँ उड़ीसा में शुरुआत की गई थी। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यहाँ पे कैपिटल है। और यहाँ पे गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। और नवीन पटनायक, कौन, नवीन पटनायक यहाँ पे सीएम है। और 30 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सुनेत्र योजना निःशुल्क नेत्र देखभाल हेतु शुरू की गई है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, बैंक ऑफ चाइना किस देश को $300 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। $300 मिलियन का ऋण किस देश को प्रदान करेगा, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर है अपना श्रीलंका। श्रीलंका को $300 मिलियन ऋण प्रदान करेगा बैंक ऑफ चाइना। अपन श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी, अपने पड़ोसी कंट्री है इसलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलोन इसका प्राचीन नाम था, यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे इसकी कैपिटल है, राजधानी है। पहले कोलंबो इसकी राजधानी हुआ करती थी, अब जयवर्धनेपुरम कोटे इसकी कैपिटल है। यहाँ पे श्रीसेना, मैत्रीपाला श्रीसेना राष्ट्रपति है, कौन है, मैत्रीपाला श्रीसेना जी यहाँ पे राष्ट्रपति है। और रानिल विक्रम सिंघे यहाँ पर पीएम है, कौन है, रानिल विक्रम सिंघे जी यहाँ पे पीएम है। कुछ समय पहले इस पे भी विवाद वगैरह काफ़ी हुआ था, तो इनके बारे में आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों, या तो आपको प्रेसिडेंट पूछा जाएगा या आपको पीएम के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे श्रीलंकाई रुपया यहाँ पे मुद्रा चलती है।
चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, वन प्रबंध योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है। वन प्रबंधन योजना की बात की गई है और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है इसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कहाँ पर है? सेवन सिस्टर की। अगर आपको कभी भी स्टेट के बारे में आपको जानकारी आएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि इसकी राजधानी हुई और यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर है, इसके बारे में डेफिनेटली एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। त्रिपुरा की कैपिटल हो गई अगरतला। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी को। कब? 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पे सीएम कौन है? तो विप्लव कुमार देव यहाँ पे सीएम है। कौन है? विप्लव कुमार देव जी यहाँ पे सीएम है और इनके गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ पर गवर्नर है, कप्तान सिंह सोलंकी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 8 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा के अंदर 2 सीट है और राज्यसभा के अंदर 1 सीट है और विधानसभा के अंदर 60 सीटें हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का अपना महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। करंट और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।